मोशन इज द रिलेटिव क्वांटिटी। अगर मोशन एक रिलेटिव क्वांटिटी है तो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस का होना बहुत ही कंपलसरी हो जाता है उस सिचुएशन में। और जो हमारे पास सबसे बेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है बेटा, वो होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का मतलब होता है जो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस आता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है बेटा, सबसे बेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो हम फिजिक्स में ज्यादातर यूज करते हैं वो होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, जिसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस होती है। ठीक है, ये जो ओरिजिन होता है, आप ये एज्यूम करते हो कि हमारा जो ऑब्जर्वर है वो ओरिजिन पर है, और ऑब्जर्वर ओरिजिन पर खड़ा होकर के ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्कस करता है कि ऑब्जेक्ट एक्स के अलोंग चल रहा है, वाई के अलोंग चल रहा है, जेड के अलोंग चल रहा है। अगर किसी एक एक्सिस के अलोंग ऑब्जेक्ट चल रहा है तो वन डायमेंशनल मोशन हुआ, अगर दो एक्सिस के साथ एक साथ उसका पोजिशन बदल रहा है तो टू डायमेंशन हुआ, और तीनों के साथ अगर उसका पोजिशन बदल रहा है तो थ्री डायमेंशन हुआ। वन डायमेंशन जैसे मोशन ऑफ अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, अगर एक स्ट्रेट रोड पर कोई कार चल रही बेटा तो उसका मोशन कैसा हुआ, वन डायमेंशनल, केवल किसी एक एक्सिस के अबाउट उसका पोजीशन बदल रहा होगा। अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव करने लगे, कोई एक कार है जो इस डायरेक्शन में मूव करने लगे, इस डायरेक्शन में, अब क्या होगा बेटा, इसका पोजीशन एक्स के अलोंग भी बदल रहा है, वाई के अलोंग भी बदल रहा है, तो इसका मोशन हो गया टू डायमेंशनल मोशन। जैसे मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, किसी आप ऑब्जेक्ट को उठाओ कुछ एंगल पर थ्रो करो तो उसका जो मोशन आता है बेटा वो टू डायमेंशनल मोशन होता है। ठीक है, और थ्री डी मोशन जैसे मोशन ऑफ अ हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई जो होता है बेटा वो लेंथ भी कवर करता है, विड्थ भी कवर करता है, हाइट भी कवर करता है, तो तीनों डायमेंशन उसके बेटा बदल रहे होते हैं। जब तीनों डायमेंशन बदलते हैं तो क्या हो गया, थ्री डायमेंशनल मोशन। तो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की हेल्प से हम किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब करेंगे, और उसके साथ साथ ये भी आइडेंटिफाई करेंगे वेदर द मोशन इज वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल। क्या जो हमारा मोशन हो रहा है वो वन डायमेंशनल है या टू डायमेंशनल है या थ्री डायमेंशनल है, ये जानना बहुत जरूरी होता है। ये हम इसी के रिस्पेक्ट में, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में उसको डिफाइन करते, आइडेंटिफाई करते। अभी मैं केवल इतना ही बताऊंगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में, बाकी इसकी जरूरत आगे पड़ेगी जब हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे तो वहां पर आपको इसके बारे में डिटेल में बताया जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गया बेटा कि मोशन क्या है। मोशन होता है जब ऑब्जेक्ट पोजिशन बदलता है टाइम के साथ, पोजिशन बदलता है तो क्या आता है, डिस्टेंस आता है, डिस्प्लेसमेंट आता है, और हमेशा मोशन एक रिलेटिव क्वांटिटी होता है बेटा। इसलिए मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें एक चाहिए होता है क्या, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, किसके रिस्पेक्ट में आप मोशन को डिस्क्राइब कर रहे हो। ठीक है, और इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो ऑब्जेक्ट होता है बेटा, मतलब ऑब्जर्वर होता है, वो ओरिजिन पर खड़ा होता है और किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को देख रहा होता है, ऑब्जर्व कर रहा होता है। तो अब मान लीजिए आप किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसकी पोजीशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, और ऑब्जर्व करते हुए आपको सबसे पहले जो क्वांटिटी मिली वो क्या मिली बेटा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में एक पर्टिकुलर आइडिया आपके पास होना चाहिए कि व्हाट इज एक्चुअली डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की बात करें, मोस्टली आपने ये सब, आपने ये पहली बार पढ़ रहे हो या फिर एक बार पढ़ चुके हो बेटा, ये टॉपिक आप पहली बार पढ़ रहे हो, एक बार पढ़ चुके हो, तो डिस्टेंस हो गया हमारा लॉन्गेस्ट पाथ, डिस्टेंस हो गया बेटा हमारा टोटल पाथ लेंथ। ठीक है ना, टोटल पाथ लेंथ कितना है, और ये छोटा मोटा चैप्टर नहीं बेटा, थोड़ा लंबा चैप्टर है, तो आप जरा अच्छे से पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्टेंस हो गया टोटल पाथ लेंथ, और डिस्प्लेसमेंट हो गया बेटा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है ना, तो यू नो अबाउट दैट, तो इसके ऊपर हम कोई बेसिक क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं क्योंकि आप तीसरी बार पढ़ो तो आपको पता है। डिस्प्लेसमेंट हो गया बेटा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन। ठीक है ना बेटा, अभी भी बता दो थोड़ी देर पहले कि डिस्टेंस होता है स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट होता है वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस होता है स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट होता है वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में जो रिलेशन बनता है वो रिलेशन क्या है बेटा, सबसे पहली बात तो ये है कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस विल ऑलवेज बी, ये जो आपको हमेशा याद रखना है बेटा, डिस्टेंस
इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बेटा, तो डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से छोटा नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो कभी भी डिस्टेंस से छोटा नहीं हो सकता है। डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा या बराबर होगा। बराबर कब होगा बेटा? जब वन डायमेंशनल मोशन होगा, जब आप एक स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहे होगे ना, उस सिचुएशन में जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। अदरवाइज डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के हमेशा क्या होगा? बराबर होगा या उससे ज्यादा। ठीक, तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी। ठीक है, बाकी डिस्टेंस इज द स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी। द सिमिलैरिटी बिटवीन देम, इनके बीच में सिमिलैरिटी क्या है? सिर्फ इतना कि इसकी भी यूनिट मीटर है और इसकी भी यूनिट मीटर है। ठीक है बेटा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की ही यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। ठीक है, एक और चीज यहाँ पर होती है जो आपने पढ़ी है, डिस्टेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी जीरो और नेगेटिव। किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होता और नेगेटिव नहीं होता। ठीक है ना, लेकिन डिस्प्लेसमेंट बेटा, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। कैसे बेटा? जैसे मान लो यहां पर कोई एक ऑब्जर्वर खड़ा है, ये यह ऑब्जर्वर यहां पर कहीं पर खड़ा है। अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन इस ऑब्जर्वर के राइट साइड में हो, यहां पर कोई एक मान लो ऑब्जेक्ट है, कोई दूसरा आदमी खड़ा है यहां पर, ये यह ऑब्जर्वर इस आदमी को देख, तो इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में इस आदमी का जो डिस्प्लेसमेंट है बेटा, इट विल बी पॉजिटिव बिकॉज ये इसके राइट साइड में। अगर यही लेफ्ट साइड में होता, इस तरफ होता, तब इसका बोलते हैं कि हम डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा? नेगेटिव है। पोजीशन मतलब पोजीशन होता है बेटा, मतलब कि इसके राइट साइड में है या लेफ्ट साइड में। पोजीशन का मतलब ये नहीं कि किधर जा रहा है, इसका मूवमेंट इधर भी हो सकता है, अगर ये चल रहा है तो इधर भी हो सकता है, डजंट मैटर। ये राइट डायरेक्शन में जा रहा है या लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑब्जर्वर के राइट साइड में है ना। अगर ऑब्जर्वर के राइट साइड में है तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, अगर ऑब्जर्वर के लेफ्ट साइड में है, डजंट मैटर किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, डजंट मैटर, चाहे ये ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा हो चाहे ऑब्जर्वर से दूर जा रहा हो, इसकी भाई डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी? निगेटिव। और अगर ऑब्जर्वर के बिल्कुल बगल में आके खड़ा हो जाए तो डिस्प्लेसमेंट हो गया बेटा जीरो। सो डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो, व्हाइल द डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो और निगेटिव। ठीक है, डिस्टेंस कभी भी जीरो या निगेटिव नहीं होता। बोलो बेटा, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी आपको, है ना? यही दो पॉइंट्स थे जो आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानना जरूरी था और आपको समझ में आ गया। अब क्या है, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है, आप उसको ऑब्जर्व कर रहे होते हो, तो उस सिचुएशन में जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको दिखाई पड़ेगा वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वेरी करता है। किसके साथ वेरी करता है? टाइम के साथ वेरी करता है। तो हमें एक और क्वांटिटी मिलती है, दो और क्वांटिटीज मिलती है, क्योंकि दो क्वांटिटीज की बात हो रही है। एक मिलता है बेटा वेलोसिटी। ठीक है ना, अब ये वेलोसिटी क्या चीज है? जब आप किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को या किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे होगे और उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बदल रहा है टाइम के साथ, ठीक है ना, या डिस्प्लेसमेंट बदल रहा है टाइम के साथ, तो ऐसी सिचुएशन में आपको उसका रेट मेजर करना पड़ता है कि जो डिस्टेंस है वो किस रेट से वेरी कर रहा है या जो डिस्प्लेसमेंट है वो किस रेट से वेरी कर रहा है। तो वो जो रेट होता है बेटा, जिस रेट से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वेरी करते हैं, उस रेट को नाम दिया गया। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो वो हो गया बेटा वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब हो गया द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो बेटा, उस ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ एक डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन वो डिस्प्लेसमेंट बदल रही है टाइम के साथ, वेरी कर रहा है, तो वेलोसिटी क्या होगा? किस रेट से किसी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट वेरी कर रहा है, किस रेट से ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट बदल रहा है, वो हो गया बेटा वेलोसिटी। मतलब वेलोसिटी को मैथमेटिकली आप कैसे डिफाइन करोगे? वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके बेटा, ये हो गया क्या? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मतलब v वेक्टर, because displacement is the vector quantity, that's why velocity will also be vector quantity, so velocity is equals to displacement upon time।
ये तो बेसिक फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हुआ, बट ये फॉर्मूला हम मोस्टली यूज नहीं करते। हम लोग यूज करते हैं या तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी या फिर डी एस अपॉन डी टी, है ना। दोनों चीजें आपको पता है, आप पढ़े हुए इस बारे में, ठीक है। तो वेलासिटी का ये डेफिनेशन हुआ, और स्पीड की बात किया जाए तो स्पीड में आ जाएगा बेटा कि किस रेट से डिस्टेंस बदल रहा है। आप मोशन की डिस्कशन कर रहे हो, किसी ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में डिस्क्राइब करने वाले हो, आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है, और वो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ वेरी कर रहा है। तो लोगों को समझाने के लिए कुछ एक टर्म आप बताओगे ना, तो आपने बताया कि एक वेलासिटी है, एक स्पीड। वेलासिटी आप उसको बोलोगे जो डिस्प्लेसमेंट का वेरिएशन है टाइम के साथ। स्पीड आप किसको बोलोगे बेटा, स्पीड आप बोलोगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है बेटा, ये डिस्प्लेसमेंट का रेट है और ये डिस्टेंस का रेट है। तो आप स्पीड इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये बहुत दिनों से आप पढ़ते आ रहे होंगे, कई बार पढ़ चुके होंगे, है ना। तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये तो क्वांटिटी आपको मिलती है बेटा जब पोजीशन बदलता है ऑब्जेक्ट का। जब ऑब्जेक्ट का पोजीशन बदलता है तो वेलोसिटी और स्पीड मिलता है, और दोनों की ही यूनिट होती है बेटा मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब बस केवल एक छोटा सा डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है बेटा, वेलोसिटी जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है, और स्पीड जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड स्केलर क्वांटिटी। मतलब स्पीड कैन नेवर बी जीरो और नेगेटिव, स्पीड कभी भी जीरो या नेगेटिव नहीं हो सकता है, लेकिन वेलोसिटी कैन बी जीरो, नेगेटिव और पॉजिटिव। वेलोसिटी जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये तो बेसिक बात हो गई कि वेलोसिटी क्या है, स्पीड क्या है, ठीक है। और इसी के साथ साथ एक और टर्म आ जाता है बेटा एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन की जब आप बात करते हो तो एक्सेलरेशन को आप डिफाइन करते हैं कि किस रेट से किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बदल रही है। ये ध्यान देने वाली बात है बेटा, एक्सेलरेशन में ये नहीं बोला जाता है कि किस रेट से किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड बदल रहा है, ठीक है ना। एक्सेलरेशन का मतलब होता है किस रेट से किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी बदल रहा है। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, नॉट स्पीड अपॉन टाइम। द रीजन बिहाइंड दैट इज, जो रीजन है बेटा वो ये है कि अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदल रही है ना, मतलब ऑब्जेक्ट जैसे अभी आप बात कर रहे थे वेलोसिटी और स्पीड की बात कर रहे थे, वेलोसिटी और स्पीड की आप बात कर रहे थे बेटा, तो अगर ये वेलोसिटी और स्पीड दोनों बदल रहा है तो हमने एक्सेलरेशन को वेलोसिटी अपॉन टाइम बोला, हमने एक्सेलरेशन को स्पीड अपॉन टाइम नहीं बोला। रीजन क्या है इसका, रीजन ये है बेटा क्योंकि जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है ना, तो थोड़ा सा न्यूटन्स लॉ पढ़ के आए होंगे तो डी क्लासेस में आपने पढ़ा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी मर्जी से अपने स्टेट को बदलता नहीं, मतलब अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहता है, मोशन में है तो मोशन में रहता है, और अपनी मर्जी से अपना डायरेक्शन भी नहीं बदलता है। तो हो चाहे उसको अपना डायरेक्शन बदलना हो, उसको एक फोर्स की जरूरत पड़ती है। तो जब हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं बेटा, एक्सेलरेशन है मतलब फोर्स है ना। तो अगर हम सिर्फ स्पीड बोलते हैं तो हमने यहाँ पर डायरेक्शन को नेगलेक्ट कर दिया। अगर हमने बोला कि एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, तो मतलब हम डायरेक्शन भूल चुके हैं, हमने डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में उसको डिफाइन ही नहीं किया है, और वो गलत बात हो जाएगी। क्योंकि ऑब्जेक्ट को अपना डायरेक्शन बदलने के लिए भी क्या होता है बेटा, फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। सो इसलिए मोस्ट एक्यूरेट डेफिनेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है ना। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, क्योंकि वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी होता है। तो ये तो बेसिक डेफिनेशन होगी कि अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन बदलेगा तो हमें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, वेलोसिटी स्पीड मिलेगा, और एक्सेलरेशन मिलेगा। तो ये तो बेसिक डेफिनेशन होगी। अब आगे की बात करते हैं, पहले इसी वेलोसिटी और डिस्टेंस स्पीड के बारे में, और वो ये है कि हमारे पास दो तरह की वेलोसिटी और स्पीड ऑब्टेन होता है बेटा, दो तरह। एक होता है इंस्टेंटेनियस और एक होता है एवरेज। तो पहले हम एवरेज की बात करेंगे फिर इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे, ठीक है।
अब अगर हम यहां पर बात करते हैं एवरेज स्पीड और वेलोसिटी, तो अब इसका मतलब क्या है? किसी को पता है एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी होता क्या है? एनीबॉडी नो अबाउट दैट? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम क्या होता है सर? टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन टोटल टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय. सर हाँ बेटा बोलो. सर इट इज अप्रोक्सीमेट मेजर. नहीं अभी किसी ने बोला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो बेटा वो एवरेज स्पीड है या एवरेज वेलोसिटी है, ये तो स्पेसिफाई करो. सर स्पीड डिस्टेंस वाली स्पीड और टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम वेलोसिटी है. ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है? इसको कभी फील किया है? मतलब एवरेज स्पीड की बात हो रही है या एवरेज वेलोसिटी की बात हो रही है, तो उसका प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंस क्या है? सर स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, उसमें डायरेक्शन नहीं आती है, और वेलोसिटी में डायरेक्शन भी इंक्लूड होती है. ठीक है मान गए, लेकिन फिर भी क्वेश्चन यही है कि व्हाट इज द प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंस, व्हाट इज द फीलिंग ऑफ द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी. सर अगर हम कोई डिस्टेंस कवर कर रहे हैं और उसमें हमारी स्पीड डिफर कर रही है हर पॉइंट पे, तो हमें अगर किसी को बताना है कि हमारी स्पीड क्या थी, तो उसके लिए हमें एवरेज स्पीड की जरूरत पड़ी, क्योंकि हम ऐसे नहीं बता सकते कि हमारी स्पीड एक जगह 20 किलोमीटर पर आ रहा है. एग्जैक्टली यही मतलब होता है बेटा. एवरेज स्पीड की बात अगर आप करते हो, जैसे मान लो आप अपने घर में हो और घर से मम्मी ने आपकी बोला कि जाओ मार्केट से सामान लेकर. अब मम्मी को पता है कि हमारी जो किराने वाली दुकान है कितनी दूर है. मम्मी आइडिया लगा लेंगे कि अगर हम इसको भेजेंगे तो 10 मिनट में वापस आ जाएगा. ठीक है, मम्मी ने पहले ही आइडिया लगा रखा है कि हाँ ये मार्केट जाएगा और वापस आएगा इतनी देर में, 10 मिनट में वापस आ जाएगा. अब आप चले गए, पहले घर से निकले, नया नया दोस्त था, जल्दी जल्दी भागते गए, फिर रास्ते में कोई दोस्त मिल गया, रुक गए, उससे बातें करने लग गए, फिर और आगे गए, धीरे धीरे चलने लगे. इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट पार्ट जो डिस्टेंस का था वो आपने अलग अलग स्पीड से कवर किया, और घर पहुंचे आप 20 मिनट के बाद. मम्मी को लगा आप 10 मिनट में आओगे और आप पहुंच रहे 20 मिनट के बाद, तो मम्मी को ये थोड़ी नहीं पता कि आप रास्ते में कर क्या रहे. उनका सीधा सा एक छोटा सा तंज होता है, बेटा पैरों में मेहंदी लगी थी क्या? मतलब क्या है, उन्होंने जो एक्सपेक्ट किया था कि आप इस स्पीड से जाओगे, आप उससे धीरे धीरे चल रहे थे, इसीलिए तो आपको टाइम लग गया. ठीक है बेटा, तो एवरेज स्पीड का मतलब यह होता है, एवरेज स्पीड का मतलब यह है कि किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस को आप एक कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल करो, किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस को आप एक कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल करो, तो वो स्पीड होती है बेटा एवरेज स्पीड. और अगर आपने कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल नहीं किया, आप डिफरेंट डिफरेंट पार्ट जो है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ डिस्टेंस को डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से कवर कर रहे हो, तो एवरेज स्पीड को हम मेजर करते हैं, कैलकुलेट करते हैं. मतलब हम ये मानते हैं कि हम अलग अलग स्पीड से ना चल के एक कांस्टेंट स्पीड से चलते तो उसी डिस्टेंस को कितने टाइम में कवर कर पाते, वो एवरेज स्पीड होती है. ठीक है, तो बेसिकली आपने रास्ते में क्या किया डजंट मैटर, फाइनल जो कंक्लूजन निकल करके आता है वो ये आता है, जो तीसरा पर्सन निकालता है, आप नहीं, जो तीसरा पर्सन मतलब जो ऑब्जर्वर निकालता है किसी ऑब्जेक्ट के लिए, वो क्या निकालता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस. जैसे मम्मी ने कैलकुलेट किया, उन्होंने कैलकुलेट कर लिया कि हमारे घर से मार्केट कितनी दूर है और आप कितनी देर में आ जाओगे, तो उन्होंने एवरेज स्पीड पहले से कैलकुलेट करके रखी थी, और आपको टाइम ज्यादा लग गया तो उन्होंने सीधे सीधे आपको टोंट मार दिया कि बेटा पैरों में मेहंदी लगी थी क्या. तो सीधी सीधी बात यह है कि एवरेज स्पीड जो होता है बेटा वो ये होता है एक कॉन्स्टेंट स्पीड, एक कॉन्स्टेंट स्पीड से आप किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर कर रहे हो, तो उसको निकालने के लिए क्या होता है बेटा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. बीच में क्या हुआ है कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस ये देखा जाता है कि टोटल डिस्टेंस कितना और टोटल टाइम कितना लगा है. इवन आप जो है रास्ते में कहीं पर खड़े भी हो जाते हो, रुक जाते हो, आप मूव नहीं भी कर रहे हो, तो भी वो टाइम बेटा एवरेज स्पीड में इंक्लूड होता है. इनिशियल से फाइनल पोजिशन के बीच में टोटल कितना डिस्टेंस है, टोटल टाइम कितना लिया है, दैट इज एवरेज स्पीड. और एवरेज वेलोसिटी की अगर हम बात करें, तो अब वेलोसिटी के बारे में थोड़ा सा आइडिया लोगों को कम होता है, ये फिजिक्स वालों को ज्यादा आइडिया होता है, क्योंकि वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट आता है बेटा. ठीक है ना, तो
तो यहाँ पर क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, सिमिलरली जैसे आपने स्पीड को डिफाइन किया है वैसे ही एवरेज वेलोसिटी को भी डिफाइन करेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना लगा और टोटल टाइम कितना, ठीक है। अब इसी को आप ऐसे लिख सकते हो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, और इसको लिख सकते हो बेटा डेल्टा एस वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। अब ये डेल्टा का मतलब आप सबको पता ही है कि डेल्टा होता है बेटा बिग डिफरेंसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए, डेल्टा होता है बिग डिफरेंसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करके। अभी आपका काइनेमेटिक्स का टेस्ट हुआ है कल, क्यों बेटा कोई टेस्ट दिया आपने काइनेमेटिक्स का? सो जो फर्स्ट स्टेप था उसमें का वो इक्वेशंस थी, थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन, थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन और ग्रेविटी वाला था, हां यस ठीक है। तो इस मंडे को भी आपका टेस्ट होगा, सिलेबस देखते हैं क्या होता है। अब हम इसी दो चीजों पर कुछ क्वेश्चन लेते हैं। तो जो अभी आपका टेस्ट हुआ था उसमें भी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में काफी क्वेश्चंस थे, शायद आपने देखा होगा 5-6 क्वेश्चन तो मिल ही गए होंगे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के ऊपर। तो अगर हम यहाँ पर एवरेज स्पीड की बात करें, सबसे पहले हम अगर यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कोई एक आदमी है, ठीक है, ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक इसको मूव करना है, ठीक है। एक आदमी को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करना है और आपसे ये बोला गया है कि ये हाफ ऑफ द डिस्टेंस ये कवर करता है वेलोसिटी, कुछ एक वेलोसिटी से हाफ ऑफ द डिस्टेंस, कुछ इंफॉर्मेशन आपको ऐसे क्वेश्चन में प्रोवाइड होगी, हाफ ऑफ डिस्टेंस इसने कवर किया है विद स्पीड वी नॉट, ठीक है बेटा। जो टोटल डिस्टेंस है ए से बी तक जाना है और ए से बी के बीच का जो आधा डिस्टेंस है उतना उसने कवर किया बेटा, कितनी स्पीड से, वी नॉट स्पीड से कवर किया। अब बच गया आधा डिस्टेंस जो हुआ बेटा, उसमें इसने क्या किया, रिमेनिंग हाफ ऑफ डिस्टेंस, रिमेनिंग हाफ ऑफ डिस्टेंस कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम with speed v1 and v2। मतलब क्या है बेटा कि यहां तक तो एक कांस्टेंट स्पीड से गया v0 की स्पीड से, ठीक है ना, लेकिन ये जो बचा हुआ आधा डिस्टेंस है इसको इसने दो इक्वल टाइम इंटरवल में कवर किया, यहां से यहां तक का भी टाइम सेम था, यहां भी टाइम सेम था, ठीक है। इसको कवर किया v1 स्पीड से, इसको कवर किया v2 स्पीड से, ऐसी इंफॉर्मेशन आपको यहां पर गिवन है। पूछा गया है कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ दैट मैन, इस आदमी की एवरेज स्पीड कितनी, बताओगे क्या बेटा, निकालो जरा सॉल्व करो एवरेज स्पीड कितनी है इस बंदे की, सीडी डिस्टेंस कितना, एसी का डिस्टेंस आ गया टोटल, सॉरी टाइम आ गया टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब सीडी की बात करें तो जो टाइम लगा सीडी के लिए टी, ये होगा बेटा टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना हो गया सीडी अपॉन स्पीड कितना हो गया v1, ठीक है। एंड बचा हुआ जो डिस्टेंस है डीबी उसका भी टाइम सेम है टी है, तो कितना हो गया बेटा डिस्टेंस डीबी और स्पीड कितना हो गया बेटा v2। तो जरा इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखिए, आपको सीडी मिल रहा है v1 इंटू टी और आपको डीबी मिल रहा है v2 इंटू टी, ठीक है बेटा। सीडी और डीबी को ऐड कर दो, सीडी और डीबी को शिवांश, हाँ बेटा सही आया आपका आंसर, ठीक है। सीडी और डीबी को आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा एक्स बाई टू, बेटा देखो सीडी प्लस डीबी टोटल डिस्टेंस कितना हुआ एक्स बाई टू, तो एक्स बाई टू इज इक्वल्स टू v1 प्लस v2 इंटू टी। तो यहां से आपको टी की वैल्यू पता चल गई एक्स के टर्म में, एक्स अपॉन टू v1 प्लस v2, ठीक है बेटा। हमने टाइम निकाला ए से सी तक का और हमने टाइम निकाला सीडी और डीबी का जो कि बराबर था, कैसे निकाला बेटा,
पहले सी डी निकाल लिया कितना आया, वी वन इंटू टी आया, डी भी निकाल लिया वी टू इंटू टी आया, क्योंकि बराबर टाइम दिया हुआ था बेटा, इक्वल टाइम दिया हुआ था, दोनों को ऐड कर दिया और टाइम में पता चल गया। अब हम लगाएंगे अपना फॉर्मूला, जो हमारे पास फॉर्मूला होता है बेटा, वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर। फॉर्मूला एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल टाइम है बेटा x अपॉन टू वी नॉट प्लस टू टाइम्स ऑफ x अपॉन टू वी वन प्लस वी टू। अब इसको टू टाइम्स क्यों किया बेटा, क्योंकि c से d तक टाइम t था, फिर d से b तक टाइम t था, टोटल टाइम यहाँ से आ तक कितना है टू टी है, इसलिए इस t में हमने टू का मल्टीप्लाई किया यहाँ पर टू, और बचा हुआ वैल्यू क्या है t है, टू से टू हो गया कैंसिल। अब ये आ गया ऊपर x और नीचे से x कॉमन ले लिया जाए तो अंदर बचेगा बेटा 1 बाई टू वी नॉट प्लस 1 बाई वी वन प्लस वी टू। सॉल्व कर लो, x से x भी कैंसिल हो गया, एवरेज स्पीड आ गई बेटा 2 वी नॉट वी वन प्लस वी टू अपॉन वी वन प्लस वी टू प्लस 2 वी नॉट, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। बोलो बेटा समझ आया, किसी को कहीं कोई दिक्कत हो तो बताओ जल्दी से। कहीं कोई दिक्कत, कुछ पूछना है बेटा? समझ आया? आया ही था है ना। क्वेश्चन क्या था हमारा, ए से बी तक वी स्पीड से, बी से सी तक टू वी स्पीड से, फिर सी से ए तक थ्री वी स्पीड से। चलिए अब आपसे बोला गया है एवरेज स्पीड बताओ, तो एवरेज स्पीड जो आएगा बेटा, फॉर्मूला लिखो अपना सबसे पहले, ये होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये एक रिवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है, ए से चल करके वापस ए पर आ जा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि एवरेज स्पीड जब आप निकालोगे यहाँ पर, तो इसका जो टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस वो सर्कमफेरेंस के बराबर है। बोलो समझ आ रहा है क्या, टोटल डिस्टेंस है सर्कमफेरेंस 2πr, अगर इसकी रेडियस को हमने स्मॉल r एज्यूम किया तो टोटल डिस्टेंस ये जो कवर करेगा बेटा कितना कवर करेगा 2πr। अब टाइम निकालते हैं, टाइम फॉर ए टू बी, ए से बी के लिए टाइम, तो टाइम होता है बेटा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस कितना है ए से बी तक का, तो आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है इट इज 2πr/4 अपॉन v। बोलो सही लिखा बेटा, पूरे डिस्टेंस का 1/4 पार्ट ही तो है, अगर आप 90 डिग्री तक मूव कर रहे हो तो ये ab कितना आएगा बेटा 2πr/4। बोलो समझ आ रहा है ना सर, इसको हम पाइथागोरस से भी लिख सकते हैं ना, पाइथागोरस से ऐसे सही है, आर है ना दोनों, आर रूट टू। ये सर क्या आपसे वेलोसिटी की बात की सर? हाँ सर, सर डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके सर 24/25 इनटू वी। ठीक है देखता हूँ, चेक करता हूँ, लेकिन बेटा देखो जो अभी आप पूछ रहे थे ना आर रूट टू, आर रूट टू हम तब करते बेटा जब हमसे ये वेलोसिटी की बात करता, 25/24/25 ओके बेटा, आप यहाँ पर आर रूट टू तब लेते जब आपसे वेलोसिटी की बात होती, आपसे तो स्पीड की बात हो रही है, और स्पीड में तो टोटल डिस्टेंस आता है, डिस्प्लेसमेंट नहीं आता है। ये अगर आपने इसको पाइथागोरस से करने की कोशिश किया, इसको आपने यहाँ से यहाँ ज्वाइन किया बेटा, ये डिस्प्लेसमेंट आएगा, सिर्फ इतने पोर्शन का डिस्प्लेसमेंट आएगा, एक्चुअल में डिस्टेंस तो ये है ना, ये पूरा जितना पाथ लेंथ होगा होगा बेटा उसी को तो डिस्टेंस बोलते हैं, तो ये पाथ लेंथ यहाँ पर इतना है ए से बी तक का, सो दिस इज द 1/4 पार्ट ऑफ अ सर्कल, किसी सर्कल का 1/4 पार्ट है बेटा। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस जो पर याद था उसका 1/4 कर दिया, और तो टाइम जो मिलेगा आपको वो मिलेगा 2πr/4b। आपको समझ आया होगा बेटा हमने आर रूट टू क्यों नहीं लिया, डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमसे स्पीड पूछा था, वेलोसिटी नहीं पूछा था। ठीक है ना, सो दैट्स व्हाई हमने यहाँ पर इस तरह से इसको सॉल्व किया। अब बेटा बी से सी की बात कर लेते हैं, सबसे पहले बी सी निकालते हैं कितना, तो बी सी आर्क हो रही बेटा, ये एक आर्क, ठीक है ना,
एंगल इज इक्वल टू आर अपॉन रेडियस, अब तक सबने पढ़ लिया है, तो रेडियस इनटू एंगल ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा बेटा ये वाला, ये पूरा आर है ना, ये वाली डिस्टेंस अब आपको चाहिए टाइम निकालने के लिए। तो रेडियस तो आर है और एंगल कितना है बेटा, एंगल है 2π/3। बोलो सही लिखा क्या मैंने, 120 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो 2π/3 आएगा क्या, है ना बेटा। पाई होता है 180 डिग्री, पाई बाई थ्री हो गया 60 और इनटू 2 कर दिया 120, तो ये डिस्टेंस तो आगे बेटा 2πr/3। तो अब टाइम कितना लग गया बेटा, बीसी के लिए टाइम लग गया 2πr/3/2v, तो ये हो गया बेटा πr/3v, ये टाइम आ गया बी से सी के लिए। बोलो समझ आया, समझ आया? हाँ जी, अब देखो ये 90 है, ये 120 है, तो ये एंगल कितना हुआ बेटा, 360 में से माइनस कर दो, कितना माइनस करोगे आप, माइनस करोगे 210, 360 में से 210 अगर माइनस कर दिया तो बचा कितना बेटा, 150 बचा, ये 150 डिग्री होगी। अब 150 डिग्री को आप कन्वर्ट करिए रेडियन में बेटा, ये हो गया ए बी, ये हो गया बेटा रेडियस, और 150 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा, 150 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा बेटा, 5π/6। इसमें कोई बात अगर नहीं समझ में आ रही तो पूछ लेना, शर्माना नहीं, याद है ना, 8 डिग्री इक्वल्स टू π/180, मैथमेटिकल टूल्स आपने मुझसे ही पढ़ा है बेटा, याद होगा, है ना। तो अगर हम 150 डिग्री की बात करें तो 150 डिग्री में π/180 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया रेडियन में बेटा, देखो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3π और 3π/6, 5π/6, ठीक है। तो ये आ गया ए बी, तो ए बी क्यों लिखा इसको मैंने, ये है सी ए। अब टाइम फॉर सी ए कितना हो गया बेटा, तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस व्हिच इज 5π/r/6 अपॉन स्पीड व्हिच इज 3v, तो ये हो गया बेटा 5π/18v। समझ आ गया बेटा? यस सर। टोटल डिस्टेंस 2πr था, टाइम निकाल लिया, अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा दो बस उतना ही तो है। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक, व्हिच इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो हम यहां पर लिखते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम v एवरेज, ये हो गया बेटा टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 2πr अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल टाइम हुआ 2πr/4v प्लस कितना है बेटा ये πr/3v प्लस 5πr/18v। स्पीड बोला गया है बेटा इसलिए हमें डिस्टेंस चाहिए, डिस्प्लेसमेंट नहीं, ये बातें आपको याद होनी चाहिए हमेशा हर पॉइंट पर, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ से क्या होगा, πr कैंसिल हो गया, तो एवरेज स्पीड हमें मिला कितना बेटा, 2 upon 4v plus 1 upon 3v plus 5 upon 18v। आगे आप समझदार हैं, कर लेंगे क्या, कर पाएंगे बेटा? यस सर। ठीक है बेटा, कुछ बोला आपने सर? कर लेंगे। तो आई होप दैट कि हमने जब इसको तीसरी बार आप पढ़ रहे हो, तीसरी बार मैंने आपको पढ़ाया, तो क्वेश्चंस थोड़े से अलग लिए होंगे हमने पहली बार।